यही चाहती हूँ कि इतने साल यूएसए में होने के बाद में नाउ दैट यू आर बैक एंड मूवी भी आपने ऐसी बनाई है जो कि इतनी ज्यादा इंडियन साथ में सर आप चाहेंगे कि आप किसी से कुछ किसी गाने की दो लाइनें गुनगुनाने को कहें जरूर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ किधर हैं हैं रानी है, है। बेस ज्यादा है इसमें। केशव जी फॉर गिविंग मी दिस चांस टू कंपोज म्यूजिक फॉर दिस फिल्म ब्यूटिफुल and uh, मुझको तेरे इश्क में भेजा दे। We have got a good response on YouTube and uh, everybody is liking the song and uh, I don't want to say much. Everybody is liking the song, sir. Uh, and I thank you and please media se request hai मैं बहुत सालों के बाद comeback कर रहा हूँ। मैंने सारी life item girls launch करी हैं पहले पर uh, अभी कुछ melody music करने का मौका मिला है and uh,

The music of Gina Isika ka naam hai. Out now. Take all the pictures that you can, because this is the moment that we were waiting for. This is what we have all gathered here for. The music of Gina Isika ka naam hai. Wonderful music, romantic, dramatic, soulful, beautiful. Once again.

Uh, हाँ कहने उसमें जब उन, इन्होंने कहा कि भैया शेर से लड़ना है तो मैंने कहा बस अब कहानी बाद में सुनेंगे पहले से, शेर से लड़ेंगे निश्चित रूप से क्योंकि इन लोगों को देख के ही हम लोग बड़े हुए हैं जैसे कर्तव्य में धर्म जी की एक जो टाइगर फाइट थी नटवरलाल में अमिताभ बच्चन साहब की जो टाइगर फाइट थी और मुझे लगा कि इंडियन स्क्रीन के ऊपर एक अरसे के बाद किसी आदमी को शेर से भिड़वाया जा रहा है और उसमें शेर परास्त हो रहा है तो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए तो मैंने केशव पैनरी से कहा कि सर कहानी वहानी एक तरफ गई लेकिन सबसे पहले ये टाइगर फाइट हो और वो टाइगर फाइट हुई और उसका परिणाम यह है के बहुत अद्भुत और बहुत कमाल तरीके से केशव ने उस पूरी चीज़ को शूट किया क्योंकि ये सोचना बड़ा अच्छा लगता है कि आप शेर से लड़ रहे हैं लेकिन जब शेर के सामने खड़े होते हैं आप तो आपकी पेंट गीली हो जाती है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है क्योंकि उसका सिर्फ खड़े भी रहना आपको कहीं ना कहीं जड़ कर देता है आपको हिलने पे वो सिर्फ अगर आंख उठा कर देख भी लेता है आपकी तरफ़ हल्का सा तो आप वहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं और आप वहाँ से चल आप वहीं जड़ हो जाते हैं पेड़ के जैसे तो बहुत कमाल की चीज़ है लेकिन उन्होंने बहुत तमीज़ से उस तमाम चीज़ को शूट किया और बहुत मुझे इस बात का गर्व है फ़ख्र है और इस बात की खुशी है कि एक लंबे अरसे के बाद अगर किसी इंडियन स्क्रीन पे किसी भारतीय फिल्म अभिनेता को शेर के साथ दो दो हाथ करने का मौका मिला और जिस तरीके से आपने देखा कि वो नॉर्मल फाइट नहीं है उसका जो कॉम्बैट uh, है दोनों का वो भी बड़ा रोमांचक तरीके से हमारे यहाँ एक्शन डायरेक्टर हैं अब्बास भाई उन्होंने बहुत रोमांचक तरीके से उस चीज़ को कोरियोग्राफ किया है और मैं बहुत आनंदित हूँ और भाग्यशाली हूँ प्रार्थना ये कर रहा हूँ कि सेंसर कहीं उसको ऊपर कैंची ना चला दे आप दोनों ने इतने दिग्गज कलाकार फिल्म का हिस्सा हैं इंट्रोडक्शन प्रेम साहब अपने आप में एक लीजेंड है अरबाज अपने आप में एक शख्सियत है क्या सीखने को मिला इन तीनों दिग्गज से आप आप दोनों को आई स्टार्ट विथ हिमांश हिमांश डू यू थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट आफ्टर योर प्रीवियस वर्क गुड आफ्टरनून एंड फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस हेयर एंड या आई फील इतने बड़े स्टारकास्ट और इतने बड़े सुपरस्टार्स फॉर मी आई एम अव कमर और इतना बड़ा चांस मिला कि सेम स्क्रीन पे इफ आई कैन शेयर माई स्क्रीन स्पेस विद दैम नथिंग लाइक इट माई मोम सेटिंग हेयर आई फील शी मस्ट बी प्राउड राइट नाउ दैट आई एम अमंगस्ट वन ऑफ हवर फेवरेट एक्टर्स हेयर सो This makes me feel out of the world. Manjari, your, your take on that? Um, I want to thank Kesha first for uh, giving me this opportunity to work with actors as talented as Ashutosh sir, Supriya ma'am, Arbaaz sir, Prem sir. Um, it, it's been a great, great opportunity for me to learn from them. Uh, I <laughs> Ashutosh sir ko main bohut, like I used to be <laughs> तो <laughs> so, जब मैंने उनके साथ uh, काम करना था मैं बहुत डरी हुई थी बिकॉज आई वॉज लाइक यू नो है इन दुश्मन सीन इन लाइक वट इज़ दैट फिल्म संघर्ष सो आई वॉज सो स्कैड आई वॉज लाइक ओके एंड बट वैन आई एक्चुअली मेट हिम ही वॉज सो वॉर्म ही वॉज सच अइस पर्सन नॉट सेंग इट बिकॉज ही इज सिटिंग बट uh, उन्होंने बहुत इंक्रेज किया बिकॉज इतने बड़े कलाकारों के साथ काम करना भी यू नो इट्स इट्स लिटल अनर्विंग फॉर एक्टर्स यू नो बिकॉज़ यू वॉन्ट टू मैच अप टू परफॉर्मेंस एंड ऐसा बहुत बार हुआ कि आशुतोष uh, सर ने हमें um, थोड़ी टिप्स दी अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर करने के लिए एंड सेम विद सुप्रिया मैम सुप्रिया मैम ऑल्सो उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ इन किस किस को प्यार करूँ And she is a wonderful, wonderful lady. And um, so, yeah, I just feel extremely lucky and very, very grateful. So, thank you, Keshav. And thank you, thank Purnima, you. for having me in this film. <laughs>